सो फ्रेंड्स, ये कोई वीडियो की स्टार्टिंग नहीं है. मैं बैठा हुआ एडिटिंग कर रहा था, सो आई थॉट कि आपसे एक बात कर लूँ. फ्रेंड्स, आई जस्ट सॉ, आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर 2020, और आई जस्ट सॉ कि मेरे 1000 सब्सक्राइब हो गए. फ्रेंड्स, उस वक्त आई वॉज जस्ट डांसिंग ऑन द ट्रेंडिंग नंबर 1 वीडियो, द सॉन्ग ऑन इन पाकिस्तान. इट्स अ सिंधी सॉन्ग एंड आई वॉज जस्ट लविंग दैट सॉन्ग एंड आई जस्ट स्टार्ट डांसिंग ऑन दैट सॉन्ग. सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स, ये वीडियो उससे रिलेटेड नहीं है. आपने थंबनेल टाइटल कुछ और देखा होगा, आपको वीडियो अभी मिली है, कोई क्लिकबेट नहीं है. मैं आपको वीडियो दूंगा, लेकिन मैंने अभी चेक किया, तो मैंने कहा एडिटिंग के टाइम पे ही एक वीडियो बनाऊंगा. अगर बीच में हो गए हैं 1000 सब्सक्राइबर्स, तो आपको बता दूंगा. तो हो गए हैं, थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स, ऐसे ही मुझे प्यार दिखाते रहिए. आई कांट बिलीव. फ्रेंड्स, आगे आपको एक दो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ. आप देख सकते हैं इन दो स्क्रीनशॉट में, एक इन 1 month एंड फ्यू डेज, मतलब मेरे 20 अक्टूबर को 100 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन क्रॉस किया था हम लोगों ने, और आज 1 दिसंबर है, और आज हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन भी कंप्लीट कर लिया. फ्रेंड, दिस इज जस्ट अ फ्यू. जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ और भी हज़ारों लोग मेरी वीडियो से एंटरटेन हो सकें. क्योंकि आजकल ना दुनिया में हैप्पीनेस बहुत कम है, लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ये वो. तो खुशी हो तो द बेस्ट थिंग, एंटरटेनिंग हो वो बेस्ट थिंग होती है. किसी की चेहरे पे खुशी लाने के लिए चैनल है, और आप इसको ज़्यादा से शेयर करें. फ्रेंड्स, अब मैं आपको अब वीडियो देखिए. फ्रेंड्स, मैं जो यहाँ पे एडिटिंग करने बैठा हूँ, बहुत ठंड है इस बार, कुछ ज़्यादा ठंड पड़ गई है. वैसे तो ये डेजर्टिफाइड मुल्क है सऊदी अरेबिया, बट इस बार कुछ ज़्यादा ठंड पड़ी है. ऊपर से हमने एसी भी लगाया है, ठंड में भी हम लोग एसी नहीं छोड़ते. फ्रेंड्स, सो बहुत आई थिंक बहुत लंबी बात हो गई आपसे. कोई बात नहीं, अभी आज वीडियो इन्जॉय कीजिए. मैं आपको कोई बहुत ही स्पेशल, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, फैबुलस, फैंटास्टिक, इनक्रेडिबल वीडियो के साथ मिलूंगा. 1000 स्पेशल वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूं तोलू, आप लोग देख रहे हैं फन एंड विद तोलू. फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो में है बहुत देर से आजकल वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आज एक जल्दी जल्दी वीडियो डालते हैं, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स कहीं चले गए तो मेरे चैनल से. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जो है रसोड़े में कौन था जो एक मीम हुआ करती थी, यू नो ट्रेंडिंग पे एक चीज़ हमेशा नहीं रहती, चेंज होते रहते हैं. लेकिन पुरानी वीडियो में बहुत पहले से सोच रहा था इस वीडियो को बनाने का, लेकिन कोई बात नहीं. तो आज हम रसोड़े में कौन था, मतलब हु वाज इन द किचन, तो इसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बताने वाले हैं उनके एक्सेंट में. तो मैं ट्राई करूंगा मेरा एक्सेंट जो है वो ठीक हो. मैंने यहाँ पे ये सबको कर लिया है, यहाँ पे हुआ इन द किचन में आपको बताता जाऊंगा. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मोस्ट कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश, वो तो आप सबको पता ही होगा, हु वाज इन द किचन. ठीक है, सो अब हम तो सेकंड पे आता है उर्दू. फ्रेंड्स, उर्दू लैंग्वेज में बोला जाता है लाइक इन गूगल ट्रांसलेटर ये बोल रहा है किचन, बट असल में भी बावर्ची खाना बोलते हैं इन उर्दू. सो बावर्ची खाने में कौन था, ये राशी थी. और नेक्स्ट लैंग्वेज में आता है, ये है पंजाबी लैंग्वेज. सो मैं इसको सुन नहीं सकता, यहाँ पे ऑडियो अवेलेबल नहीं है. सो जो नीचे लिखा हुआ है वही मैं आपको सुनाता हूँ. रसोई विका कौन सी, रसोई विका कौन सी, कौन सी? राशी, ये राशि थी. ओके, पंजाबी भी हो गया. गुड गुड गुड. सो नेक्स्ट लैंग्वेज इज बंगाली लैंग्वेज. सो बंगाली लैंग्वेज बांग्लादेश की लैंग्वेज है, तो उसमें है किचलो रांधा घरे, राशि थे. मुझे नहीं आती है, सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आई एम सो सॉरी. नेक्स्ट लैंग्वेज हमारे पास आता है हिंदी लैंग्वेज. ये ड्रामा असल में आप सोच रहे होंगे हिंदी में तो रसोड़े में कौन था ही होता है, लेकिन फिर वो दो लैंग्वेज का मिक्सचर है. एक वो ड्रामा जो था उसकी जो लैंग्वेज थी वो गुजराती लैंग्वेज थी, सो हिंदी गुजराती मिक्स करके रसोड़े में कौन था. सो लेकिन हिंदी में बोला जाता है रसोई में कौन था, रसोई में कौन था, रसोई में कौन था, ये राशि थी, राशि थी रसोई में. ओके, हो गया. और अब हम लोग इसकी जो गुजराती लैंग्वेज है उसमें टोटली डिफरेंट है, यू नो मैं भी शॉक हो गया था कि
गुजराती में थे टोटली डिफरेंट कैसे गुजराती, मुझे वो शौक हुआ। लेकिन आप भी सुने, रसोड़ा माँ कौन हाथू, राशी हाथू, राशी राशी। ओके ओके, गुजराती में रसोड़ा माँ कौन हाथू, आई डोंट नो व्हाट्स दिस। तो फ्रेंड्स, एक और लैंग्वेज है मराठी लैंग्वेज, ये इसका मुझे थोड़ा सा फनी लगा इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो आप पहले सुन लीजिए, स्वयं पाक घर कौन होता। तो यहाँ पे स्वयं पाक घर रहता, आई थिंक उसको कहते हैं किचन को, और कौन हथा को मुझे समझ आ रहा है हु वाज देयर। सो स्वयं सॉरी, अगर कोई जिनको ये लैंग्वेज आती है वो मुझे देख रहे हैं, आई एम सो सॉरी। सो फ्रेंड्स, ये थी मराठी में, आपको बहुत मजा आया होगा इन सबको सुन के, लेकिन ये वीडियो खत्म नहीं होने वाली, इतनी छोटी सी वीडियो नहीं थी। अब हम इनको कुछ और लैंग्वेज में, रशियन, चाइनीज, हम लोग को आज बहुत फन होने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड, मैं जल्दी से ना एक बहुत धमाकेदार वीडियो लाने वाला हूँ, जो मेरे दिमाग में पड़ी हुई है, तो मैंने कहा उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं बार बार 8-8 दिन के गैप से नहीं बनाना चाहता वीडियो, जल्दी जल्दी डाल रहा हूँ, इसलिए मैं यही थोड़ी थोड़ी वीडियो करके डाल रहा हूँ। फ्रेंड, ये मराठी में था, अब नेक्स्ट लैंग्वेज हम लोग कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, मैंने देख लिया है चाइनीज में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इतना तो पता ही हुआ था किचन है, लेकिन आई डोंट जो भी है। चलो एक बार आप सुनिए, तो फ्रेंड्स ये चाइनीज में था, नाउ वी विल गो फॉर द जापानीज वन। जापानीज वन आई थिंक दे बोथ आर वेरी वेरी सेम। ओके, सो जापानीज, तारे गा दाई दोकोरो नी इमाशिता का। फ्रेंड्स, ये कुछ डिफरेंट है, फ्रेंड मैंने पहले से नहीं करके रखा था, और जो मराठी तक जितने लैंग्वेज थी वो मैंने पहले से याद की थी, आगे एडिशनल ये मैंने अभी याद नहीं की, मैं ऑन वीडियो स्पॉट में बैठा हुआ हूँ। झूठा। सो इस वीडियो इसके लिए आप थोड़ा रुकिए, मैं उसको याद समझ करके आता हूँ आपके पास, और फिर आपको थोड़ा सा हार्ड है। जापानीज में है दर ग दायरो गो नी मस्त का राशि का का। दिस वॉज समथिंग इंटरेस्टिंग, और थोड़ा सा सॉन्ग टाइप हुआ। फ्रेंड्स, अब मैं कुछ अच्छी सी लैंग्वेज देखता हूँ जो थोड़ा सा मतलब फन हो आपके लिए, सो मैं ढूंढता हूँ, क्योंकि मैं ऑन स्पॉट जो है ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स, अब जो है मैं तीन और करने वाला हूँ, एक ये वाला और दो और इंटरेस्टिंग ढूंढने हैं मैंने थोड़े से। सो एक इटालियन वाला है, और आगे मैं दो ढूंढ के आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो पे जो है ज़्यादा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब अच्छे लाइक्स आए, कॉमेंट्स ऑफ होते हैं, तो आप मतलब आ नहीं सकते। सो लाइक्स अगर ज्यादा आए अच्छे, तो फिर मैं ये समझ जाऊंगा कि मेरे फ्रेंड्स, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसको जो है इसका पार्ट टू चाहिए। सो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैं जरूर इसका पार्ट टू बनाऊंगा। सो इटालियन लैंग्वेज में बोला जाता है चिचेरा इन कुचीना। फ्रेंड, ऐसा ये एकदम रिदम के साथ एक ना एक सॉन्ग टाइप लगा मुझे। अगेन अगली दो लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, ये लैंग्वेज जो मैंने ढूंढी है ये खुद ही देख लीजिए, ये उस लैंग्वेज का नाम है, फोकस में आ जा, TELUGO, आई थिंक तेलुगु नाम है इसका। सो इसका मुझे इंटरेस्टिंग लगा, आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज है ये, सो लेट्स सी। వంట గదిలో ఎవరు ఉన్నారు, थोड़ा सा फनी भी है। వంట గదిలో ఎవరు ఉన్నారు, వంట గదిలో ఎవరు ఉన్నారు, ये मुझे थोड़ा सा अय्यर टाइप आई थिंक उस तरह का कुछ है, पर बहुत ही अमेजिंग सी लैंग्वेज है, बहुत ही डिफरेंट सा स्टाइल है। अगेन, వంటగదిలో ఎవరు ఉన్నారు, గుడ్ 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 గుడ్. అబ్ హమ్ చల్తే లాస్ట్ లాంగ్వేజ్ కి తరఫ్, తో ఇస్కే లియే ముజే థోడా లంబా బ్రేక్ చాహియే, తో ఆప్కో పతా భీ చల్తే కిత్నా బ్రేక్ హై, క్యూంకి మే పాజ్ కర్ దేతా హూం. సో కుచ్ అచ్చీ సీ ఇంటరెస్టింగ్ లాంగ్వేజ్ కే సాథ హమ్ లోగ్ అప్నీ ఆజ్ కీ వీడియో కో ఖతమ్ కరేంగే.
फ्रेंड्स में एक लैंग्वेज ऐड करना भूल गया, आई डोंट अंडरस्टैंड मैंने वो लैंग्वेज कैसे छोड़ दी। मैं आप सबको पता चल गया होगा मेरी पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होंगी कि मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, सो वहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है अरेबिक, उसी को ही मैं ऐड करना भूल गया। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने अरेबिक लैंग्वेज को भी ऐड कर लिया है और हम अगर अरेबिक से ही ख़त्म करते हैं। एक बार अपने फ्रेंड्स को गूगल से सुना लेते हैं। मैं कैंसिल मतबखी, इसको बोलने मुझे बिल्कुल ही परेशानी नहीं हुई, तो मतलब बहुत ही ईजीली बोल लिया मैंने। फ्रेंड्स यहाँ तक मेरी आज के लिए वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स आज की जो वीडियो थी वो जिससे रिलेटेड थी, रसोड़े में कौन था, उससे मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। ज़रूर देखने का क्या मतलब होता है, इतना भी खास है, मजाक करूँ, देख लेना क्या होता है, बच्ची ख्वाहिश पूरी कर दूँ ना यार। और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने राशि जिसको जिसके ऊपर जो है उसकी मदर इन लॉ बरस पड़ी थी, रुक रुक ऐसे आगे हुए हैं जैसे मेरे ऊपर चढ़ने वाला यार थी, उस पे जो है बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है। वो ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन किसी ने उसको वॉइस ओवर करके बना दिया, अलग अलग क्लिप्स जोड़ के, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बना था। हाँ मालूम है, वो किसी और ने वॉइस ओवर करके बनाया था, अपने बाप को मत सिखा, चल जा। तो मैंने उस पर भी एक्ट किया है, तो आप वो भी ज़रूर जाके देखिएगा। यहाँ पे आप उनके थंबनेल नज़र आ रहे होंगे दोनों वीडियोस के, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर जाके देखिएगा दोनों ही बहुत अच्छे। मुझे तो बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत टाइम से इस वीडियो को बनाना था, बहुत इन्जॉय किया मैंने इस वीडियो को, और होप आप सबने भी किया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा लाइक आए तो इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट टू बनाऊंगा, और इसको मैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर, अगर मैं इसका पार्ट टू बनाऊँगी या फिर आगे और कोई इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिनको ये मीम बहुत पसंद थी या ट्रेंडिंग पे जो चल रही थी तो वो भी इसको ज़रूर इन्जॉय करेंगे, और साथ में मेरी कॉमेंट्स ऑफ होते हैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो आप मेरी ईमेल में ज़रूर मुझे अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स वगैरह सब कुछ वहाँ बता सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे सब्सक्राइबर आप जल्दी से 1000 करा दीजिए, वी आर वेरी नियर टू हिट दैट माइलस्टोन। और फ्रेंड्स मुझे उस वक्त पता नहीं था कि एडिटिंग के टाइम तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो भी जाएंगे, और जब वो हो जाएंगे तो आई विल हैव द कम्युनिटी टैब, तो वहाँ पे आप मोर इजीली अपने कमेंट्स बता सकते हैं। तो मेरे पास एक पूरा प्लान है उसके लिए, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, जब इंशाल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वो आपकी वजह से होंगे, तो जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए उस रेड बटन को, या इस तरफ होता है, इस तरफ होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको रेड से ग्रे कर दीजिए नाउ के नाउ। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।